नमस्कार मित्रों, मैं धर्मेंद्र कुमार राय और राय जुडिशियल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं जानता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक कैलेंडर जारी किया हुआ है और जिस कैलेंडर में ना तो एपीओ की एग्ज़ाम की कोई डेट है और ना ही पीसीएसजे की एग्ज़ाम की कोई डेट है। और इस कैलेंडर को देख के लाके जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो जुडिशियल किस तरह प्रिपरेशन करते हैं या एपीओ की प्रिपरेशन करते हैं, ऐसे बच्चे बहुत परेशान हैं। और सोशल मीडिया को देख के, यूट्यूब, व्हाट्सएप, आपके स्टेटस और तमाम चीज़ों को देख के मुझे भी इसका अंदाज़ा लग ही रहा है कि आप लोग किस हद तक परेशान होंगे, क्योंकि पेशेंस बनाए रखना निश्चित रूप से अब आपके लिए आसान नहीं हो रहा है। क्योंकि एक तो 2018 के बाद अब वैकेंसी आने वाली थी, ये लोग सोच रहे थे, लेकिन अभी भी 2022 बीत जाएगा, क्या 2022 में भी कोई वैकेंसी नहीं आई? इस बात को लेके बच्चे बहुत परेशान हैं। लेकिन बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कारण ये है कि देखिए, आयोग जो कैलेंडर जारी करता है वो उसके रूटीन में है, उसको कैलेंडर जारी करना है जनवरी, इसलिए उसने कैलेंडर जारी कर दिया। उसके पास जिन परीक्षाओं की जानकारी थी, जिन परीक्षाओं के संबंध में उसको इन्फॉर्मेशन मिली हुई थी, निर्देश मिला हुआ था, उसके संबंध में तो उसने कैलेंडर जारी कर दिया। लेकिन जिन परीक्षाओं के संबंध में आयोग के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि कितने पोस्ट निकाले जाएंगे, कोई डायरेक्शन नहीं था, उसके संबंध में आयोग अपने मन से तो कोई काम करेगा नहीं। और आप जानते हैं कि पीसीएसजे की वैकेंसी के लिए हाई कोर्ट डायरेक्ट करता है तो पब्लिक सर्विस कमीशन उसने पोस्ट को पब्लिश करता है, उसके एग्जाम कंडक्ट करवाता है। हाई कोर्ट ने ऐसा कोई डायरेक्शन दिया है नहीं है, इसलिए इसमें उसकी सीट नहीं। तो उसमें पेशेंस रखने की ज़रूरत है। हाई कोर्ट कभी भी डायरेक्ट कर देगा और उसके आधार पर वैकेंसी पब्लिक सर्विस कमीशन निकालेगा। और आप जानते हैं कि यूपी की वैकेंसी जब आती है तो नोटिफिकेशन आने और एग्जाम होने में टाइम ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए आप अपनी प्रिपरेशन में ब्रेक मत लगाइएगा, प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। तो ये निश्चित तौर पर मान के चलिए कि अगर अभी नहीं आती है, क्योंकि ज़्यादा चांस है कि एक आध महीने नहीं आएगी, लेकिन मार्च और अप्रैल में इसकी वैकेंसी आ जाएगी। दूसरी बात, एपीओ की वैकेंसी की बात कर लेते हैं। एपीओ की वैकेंसी के संबंध में भी उसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट बना हुआ है, जो कि आप जानते हैं डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन के नाम से जाना जाता है, यानी अभियोजन निदेशालय होता है। और अभियोजन निदेशालय जब पब्लिक सर्विस कमीशन को डायरेक्ट करता है कि कितने एपीओ की ज़रूरत है, तो उसके हिसाब से पब्लिक सर्विस कमीशन उसने पद निकालता है। अभियोजन निदेशालय अभी ये तैयारी नहीं कर पाया है, हालाँकि अभियोजन निदेशालय के पास जो रिकॉर्ड है उसके हिसाब से 1200 पोस्ट आनी चाहिए एपीओ, लेकिन ऐसा कोई डाटा अभी आयोग के पास तो था नहीं, इसलिए हो सकता है कि अभियोजन निदेशालय ने अभी रोक दिया हो कि हम डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, तब हम आपको निश्चित बताते हैं कि आपको कितने पोस्ट निकालने हैं, तो वो आपको पोस्ट निकालेगी, तो वो निकालेगी, एग्जाम हो जाएगा, उस कैलेंडर में उसको मेंशन कर दिया जाएगा, इससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दोनों वैकेंसी आएंगी और पॉसिबिलिटी तो ये है कि एपीओ की वैकेंसी 200 जो आप पोस्ट सोच रहे थे, मैं सिर्फ संभावना ही बता रहा हूँ, मेरी किसी से बात नहीं हुई है कि माननीय योगी जी से हमारी बात हुई और इसके बाद मैं कुछ कह रहा हूँ, लेकिन एक पॉसिबिलिटी है कि एपीओ की पोस्ट 500 से ज़्यादा ही आनी चाहिए, तो इसके लिए आप तैयार रहिए। एपीओ की पोस्ट बड़ी आएगी क्योंकि अभियोजन निदेशालय की तैयारी है और उसके दिमाग में है ये बात कि 1200 पोस्ट कम से कम खाली हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा मजिस्ट्रेट के पोस्ट तो भरे गए हैं बीच में, लेकिन एपीओ के पोस्ट 2000 के बाद भरे ही नहीं गए। 17 पोस्ट बीच में आई थी जो यूपी के लिए एकदम नहीं के बराबर, तो इसलिए आपको बिल्कुल पेशेंस बना के अपनी प्रिपरेशन जारी रखने की ज़रूरत है। वैकेंसी दोनों आएंगी, पीसीएसजे की वैकेंसी बहुत बड़ी तो नहीं होगी, लेकिन मार्च तक वो भी आ जानी चाहिए, मार्च लास्ट तक आ जानी चाहिए या मैक्सिमम अप्रैल के प्रारंभ तक। और एपीओ की वैकेंसी भी आएगी और एपीओ की वैकेंसी बहुत बड़ी वैकेंसी आएगी, बिहार से बड़ी वैकेंसी आएगी यूपी। तो पेशेंस बनाए रखिए और तैयारी रखिए, फिर बात होगी जब भी कोई ऐसी बात होगी। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।